दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन बाय डिपस्टिक मेथड से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो हमारे पास ये रीजेंट जो किट है, ये जो कीटोन बॉडी की है, 10 पैरामीटर यूरिन की है और ये 4 पैरामीटर यूरिन की है हमारे पास, और 2 पैरामीटर यूरिन की भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये रीजेंट होते हैं जिसमें कि ये कीटोन बॉडी है और ये 10 पैरामीटर है। इसमें हम यूरोबिलिनोजेन, बाइल साल्ट, नाइट्रेट, ल्यूकोसाइट, बैक्टीरिया, ब्लड, ये सारा सब टेस्ट कर सकते हैं। और ये 4 पैरामीटर है, इसमें हम प्रोटीन, ग्लूकोज, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कर सकते हैं। और जो 2 पैरामीटर होता है उसमें हम सिर्फ प्रोटीन और ग्लूकोज ही टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम डिपस्टिक रीजेंट मेथड से किस तरीके से हम आपको फिजिकल एग्जामिनेशन जो है आपको सिखाने वाले हैं इस डिपस्टिक रीजेंट मेथड से। तो हमारे पास ये 4 पैरामीटर डिपस्टिक रीजेंट बॉक्स है, किस तरीके से हम जो है फिजिकल एग्जामिनेशन इस डिपस्टिक मेथड से करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये 4 पैरामीटर जो है डिपस्टिक रीजेंट किट है, तो इसको हम एक जो है निकाल के देखते हैं। हमारे पास एक नया बॉक्स है ये, तो इसमें जो 4 पैरामीटर है जिसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हम टेस्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, इसको हमें यूरिन में डिप करना होगा। डिप करने के बाद में हमें जो बॉक्स है इसमें जो है मैच करना होगा। अगर हमें कीटोन बॉडी करना है तो हमें जो इसकी जो डिपस्टिक है इसको जो है उसमें यूरिन में डिप करके इसे जो है मैच करना होगा। हमारा ये 10 पैरामीटर है, इसे भी हम जो है यूरिन में डिप करके हमें इससे मैच करना होगा। तो जो कलर जिससे मैच होगा तो वही उसकी रीडिंग होगी। तो हमारे पास ये जो रीजेंट किट है इससे हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पेशेंट का यूरिन सैंपल है जो हमें मॉर्निंग सैंपल में लेना है। मॉर्निंग में मिड स्ट्रीम सैंपल होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो रीजेंट किट है जिससे कि इसमें एक स्ट्रिप इस तरीके से जो है निकलती है, हमें फिर इसमें यूरिन में डिप करके हमें मैच करना होता है कि कितनी प्रोटीन है उस यूरिन में, कितना ग्लूकोज है और कितना उसका पीएच है, कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास ये जो किट है तो इसमें से हमको ये निकाल के इसमें जो है हमें डिप करना होगा। डिप करने के बाद में हमें मैच करना होगा इस रीजेंट बॉक्स से। इस बॉक्स में सारा कुछ दिया होता है, कलर मैच करना होता है, तो जिस कलर में जो है मैच हो जाए हमारा वही रिजल्ट होता है। तो हमारा जो डिपस्टिक रीजेंट है तो हमने जो इस यूरिन में डिप कर लिया है। डिप करने के बाद में इसको 10 सेकेंड 15 सेकेंड हम रुक सकते हैं जिससे कि इसमें रिएक्शन सारा कुछ हो जाएगा। फिर हमें जो है इससे मैच करना है जो हमारे पास रीजेंट बॉक्स है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो पहली वाली लाइन है ये नॉर्मल है, अगर इसके बाद में कोई भी कलर किसी से भी मैच हो रहे हैं, जैसे कि पहला प्रोटीन है, तो प्रोटीन ये जो पहली वाली लाइन से मैच नहीं हो रहा है इसकी सेकंड वाली लाइन से मैच हो रहा है। तो इस डिपस्टिक को कलर से हमें मैच करना है, तो जिस कलर से मैच हो जाए वही हमारा रिपोर्ट होता है। तो जैसे हमारा जो प्रोटीन है वो ट्रेस वाली लाइन पर जो जा रहा है, तो प्रोटीन हम इसको ट्रेस करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो पीएच है, तो पीएच जो है ये इस तरीके से हम इसमें मैच करना होगा। तो हमें देखना होगा कि हमारा जो डिपस्टिक रिएजेंट किट है वो किस पे गया है। तो ऐसे इस तरीके से हमें सारा ये रिजल्ट करना होता है। तो इस तरीके से हमें कलर सारे मैच कर लेने हैं। अगर 1+ प्रोटीन जा रही है तो उस कलर को मैच करके देख लेना है। अगर ग्लूकोज हमारी 2+ जा रही है या नहीं जा रही है तो हमें वो कलर मैच कर लेना है। तो उस तरीके से हमें सारा रिपोर्ट करना है कि कितना पीएच है, कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हमें इसमें मैच करके हम इसको रिजल्ट दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।